हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजु बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चा जनरल कैरेक्टर ऑफ एम्फीबिया के बारे में, या एम्फीबियन आप लिख सकते हो। जनरल कैरेक्टर ऑफ एम्फीबियन या एम्फीबिया के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एम्फीबिया पढ़ने के पहले कुछ चीज़ें बेसिक सी जो होती हैं उसको हम जान लें। जैसे इसको पढ़ाने के पहले हमने क्या कहा था कि आप लोगों को हमने वर्टिब्रेट का जनरल कैरेक्टर पढ़ा दिया, और जनरल कैरेक्टर के बाद हमने बोला था कि आप क्लासिफिकेशन नोट कर लीजिएगा। अगर जो बच्चे नहीं नोट किए हैं, कोई नहीं, हम जस्ट इसके बाद तुरंत इसी को, आप लोग इंड तक बने रहेंगे तो इसी के बाद हम तुरंत जनरल कैरेक्टर के बाद तुरंत हम वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन शार्ट में समझा देंगे। तो आप इंड तक बने रहें। और आपको हम बता दें कि वर्टिब्रेट का जनरल कैरेक्टर यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्टिब्रेट के ही ये एनिमल हैं। स्पेशली ये टेट्रापोड के होते हैं, वर्टिब्रेट के होते हैं, गनेथोस्टोमेट के होते हैं। गनेथोस्टोमेट का मतलब इनमें भी जबड़ा पाया जाता है, इसलिए इनको गनेथोस्टोमेटा में रखा गया। चार पैर होते हैं यानी फोर लिम्स होते हैं, इसलिए टेट्रापोड में रखा गया। तो ये जब हम वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसी वजह से इसको पढ़ने के पहले हमको वर्टिब्रेटा का जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन जानना जरूरी होता है। जैसा कि नाम ही है एम्फीबिया, अगर हम इसको ब्रेक कर दें, दो वर्ड में तोड़ दें, एम्फी प्लस बिया, बी आई ओ एन शब्द से बना है बियान, ए एन लिखे हैं लेकिन बी आई ओ एन हो जाता है, बियान मिस होता है लाइफ, यानी बायो, बी आई ओ, बायो मतलब लाइफ होता है ना, और एम्फी मतलब होता है बॉथ, यानी ऐसे जीवधारी जिनका जीवन दो जगहों पे कंप्लीट हो उनको बोलते हैं एम्फीबियन। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पॉइंट पे, दे आर एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक, ये जल में होते हैं, या फिर सेमी एक्वेटिक कहने का मतलब ये है कि जल थल दोनों जगह पे होते हैं, ज़्यादातर जीवन जल में और बाहर भी बिता लेते हैं, और ये रहते कहाँ हैं, फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं, न कि मैराइन वाटर। ये ध्यान दीजिएगा बेटा कि मैराइन वाटर में ये नहीं पाए जाते। कई बार वाइबा में भी पूछे जाते हैं कि एम्फीबियन जैसे फ्राग हो गया, राना टिग्रीना हो गया, ये सब क्या कहाँ पाए जाते हैं, तो कुछ बच्चे बता देते हैं जल में थल पे, लेकिन ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि मैराइन वाटर मत बता दीजिएगा कि समुद्र के जल में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ध्यान देना, हमने पहले ही बोल दिया कि ये फ्रेश वाटर एनिमल हैं। ये कैसे एनिमल हैं, फ्रेश वाटर एनिमल, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल यानी स्थल पे भी पाए जाते हैं और जल में भी ये पाए जाते हैं। इनकी हैबिटेट जो है, ये जल और थल, हैबिटेट का मतलब जहाँ पे इनका वास स्थान है, तो ये जल में भी रहते हैं, थल पे भी रहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एम्फीबियन, यानी इनके हैबिटेट की वजह से इनको क्या बोला जाता है, एम्फीबियन, आई मीन वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों जगह पे रहने के वजह से। एम्फी मतलब बहुत, हमने पहले ही बोल दिया कि दो जगहों पे ये रहते हैं, इस वजह से इनको एम्फीबियन बोला जाता है। द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, जो इनकी बॉडी होती है तीन भागों में बटी होती है, हेड नेक एंड, एक चीज ध्यान देना, हेड नेक तो क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ तीसरी पॉइंट जो आती है, टेल की जो पोर्शन है, टेल मे आर मे नॉट बी, यानी यहाँ पे होगा या नहीं भी हो सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि होगा या फिर ना के बराबर भी, कुछ में पाया जाता है, कुछ में टेल नहीं पाया जाता। जैसे लार्वल स्टेज में इनके बहुत ज्यादा में पाया जाता है, लेकिन एडल्ट में कुछ में नहीं पाया जाता। देन बात करेंगे, स्किन जनरली मॉइस्टेड, यानी कैसा होता है, मॉइस्टेड यानी नम टाइप का स्किन होता है, एंड हेल्प इन रेस्पिरेशन, जो क्या करता है, हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, श्वसन क्रिया में। ये जो नम स्क्रीन है, नम स्किन होने की वजह से इनको रेस्पिरेशन में हेल्प मिल जाता है, बिकॉज इट पार्टिसिपेट, क्योंकि ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, अंदर बाहर गैस को लाने और ले जाने में, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर ओवीपेरस, यानी ये कैसे होते हैं, ओवीपेरस, वीवीपेरस हमने पहले भी बता दिया था, वीवीपेरस यानी बच्चे देने वाले, और ओवी मतलब अंडे देने वाले। कार्निवोर्स आप लोग अच्छे से जानते हो, कार्निवोर्स का मतलब कोल्ड ब्लडेड, यानी कोल्ड ब्लडेड का मतलब ऐसा हो गया कि यहाँ दो हमने ब्लडेड के बारे में पूछा था, पहले ही पढ़ाया था, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। तो वो एनिमल जिसका क्या हो, टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट के टेम्परेचर वो बदलता रहे, उनको कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। वार्म ब्लडेड में क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ पे बात करेंगे, ये टेट्रापोड वर्टिब्रेट होते हैं, यानी चार पैर वाले वर्टिब्रेट होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, कार्निवोर्स एंड ओवीपेरस। एक्सोस्केलेटन इज अब्सेंट, यहाँ पे एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य आवरण जो होती है, जैसे बाल वाल, ये क्या होता है, अब्सेंट होता है, बट एंडोस्केलेटन यानी बोनी रीजन, जो अंदर हड्डियाँ होती है, वो प्रेजेंट होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड होता है, आई मीन एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों पाया जाता है। माउथ टू एनस नहीं, क्लोएकल ओपनिंग होती है इसमें, क्लोएकल ओपनिंग जिसमें होती है, वहाँ पे क्या होता है, यूरिनो जेनाइटल सिस्टम होता है।
हमने एक बार क्वेश्चन पूछा था और बताया नहीं था, हम कहे बाद में बताएंगे। तो क्लोएकल ओपनिंग का मतलब ये होता है जहाँ पे यूरिनो जेनाइटल ओपनिंग एक साथ हो, यानी कि उनके यूरिन का सिक्रीशन, एक्सक्रीटरी मटेरियल का भी सिक्रीशन और रिप्रोडक्टिव आर्गन भी वहीं पे पाया जाए, इसलिए बोलते हैं यूरिनो जेनाइटल सिस्टम क्लोएका को। फिर है रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाई स्किन एंड लंग्स। यहाँ पे रेस्पिरेशन दोनों जगह से देखा जा रहा है, एक तो स्किन से और दूसरे लंग्स से, और इनमें रेस्पिरेशन जो लार्वल स्टेज होती है उसमें गिल्स पाया जाता है, गिल्स के द्वारा होता है। तो ध्यान देना बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि एम्फीबियन के लार्वल स्टेज में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, तो गिल्स से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप। यहाँ पे हर्ट होगा और हर्ट में हर्ट से जुड़े विसेल्स होंगे, ब्लड हर्ट से होते हुए विसेल्स में और विसेल्स से फिर सारे आर्गन में, आर्गन से फिर हर्ट में, यानी विसेल्स के थ्रू ट्रेवल करेगा, डायरेक्टली नहीं ट्रेवल करेगा, इसलिए यहाँ पे कैसा होता है क्लोज टाइप होगा। एंड जो हर्ट होगी वो कितने चैम्बर की होगी, थ्री चैम्बर्ड हर्ट टेक्स प्लेस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा। फालतू का आप लोग 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मनाते हो, 14 फरवरी को, और कौन सा दिल गिफ्ट करके आते हो, ये वाला, और प्रॉब्लम झेलने को आपको ही मिलता है बेटा। होता क्या है समस्या, ये तो टूट ही जाता है। टूटने का मतलब यहाँ पे इससे नहीं है, क्योंकि आप दे रहे हो किसका हर्ट, फ्रॉग का हर्ट। ध्यान देना बेटा, हमने बोला थ्री चैम्बर्ड हर्ट है हम लोगों में, और हम लोगों में नहीं फ्रॉग में, यानी एम्फीबियन में थ्री चैम्बर्ड हर्ट है, और ये वाला हर्ट आप ले जाते हो गिफ्ट करके आते हो, तो टूटेगा ही, क्योंकि मेढक की लाइफ हम लोगों के बराबर तो है नहीं कि इतना दिन तक चलेगा। अरे ये 2 महीने 4 महीने दिखते हैं उसके बाद गायब। यहाँ पे ये ऑरिकल, ये ऑरिकल और ये वेंट्रिकल, थ्री चैम्बर हर्ट होने की वजह से टूट तो जाएगा ही। देते हो आप लोग ये वाला, ध्यान देना, कभी आपने ये हर्ट दिया है क्या, कभी ये हर्ट आप लेके गए हो, दिए हो? क्योंकि हम लोगों का हर्ट तो कैसा होता है, फोर चैम्बर्ड हर्ट होता है। ये फोर चैम्बर्ड हर्ट जब हमारे पास है तो आप ये तो दे नहीं रहे हो, दे रहे हो ये वाला। तो ये आप लोग ध्यान देना बेटा, देते हो ये फ्रॉक का तो टूटेगा ही। तो अब से ये वाला वैलेंटाइन डे पे देना, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों में फोर चैम्बर्ड हर्ट होता है, ये फोर चैम्बर्ड हर्ट हम लोगों में होता है, इसलिए ये वाला दिल शेप का नहीं कहा जा सकता, मुट्ठी की आकृति का होता है, और दिल शेप ये कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे थ्री चैम्बर्ड होता है। देख लो, टू ऑरिकल फर्स्ट सेकेंड और उसके बाद वन वेंट्रिकल, तो हर्ट लाइक स्ट्रक्चर यानी दिल की तरह स्ट्रक्चर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ऐसी गलती दोबारा आप लोग ना करना इस बार 14 फरवरी को। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बेटा, तो आगे हम देखते हैं। तो चलते हैं बच्चा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ जो किडनी होता है ये मेजोनेफ्रिक होता है, और यहाँ पे एक चीज और देखा जाता है, दे आर यूरियोटेलिक एनिमल। यूरियोटेलिक एनिमल का मतलब क्या हुआ कि, सॉरी आँख में कुछ चला गया, कोई नहीं, ये यूरियोटेलिक एनिमल होते हैं। देखो एक बात बता दे बच्चा आप लोगों को, कुछ एनिमल यूरियोटेलिक होते हैं, यूरियोटेलिक, कुछ होते हैं यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। एम्फीबियन की बात नहीं कर रहे हैं कि कुछ एम्फीबियन यूरियो कुछ यूरिको, हम अदर एनिमल की बात कर रहे हैं, सिर्फ एम्फीबियन की बात किया जाए तो ये होता है यूरियोटेलिक। कुछ होते हैं बाकी और क्लासेस जो हैं, जैसे एम्फीबियन के अलावा एवीज हो गया, मैमल्स हो गया, पीसेस हो गया, सारी कुछ गया है आँख में, चलो कोई नहीं, यूरियोटेलिक होता है, और अमीनोटेलिक, अमीनो या अमोनोटेलिक भी बोला जाता है, अमोनोटेलिक। जरा ध्यान देना, यहाँ पे जो है बेटा यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमीनोटेलिक का मतलब या अमोनोटेलिक का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया। क्या एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। कुछ एनिमल यूरिक एसिड, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड, और कुछ क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया, यूरिया। तो इस हिसाब से उस एनिमल का नाम भी पड़ जाता है, दीज आर यूरियोटेलिक, दीज आर यूरिकोटेलिक, दीज आर अमोनोटेलिक। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं आप लोगों को कि यूरिया जो होता है इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है इसका, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिया होता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, यूरियोटेलिक। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पे जरूर आंसर दें कि यूरिकोटेलिक एनिमल कौन है जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, और अमीनोटेलिक जो अमोनिया एक्सक्रीट करता है वो कौन सा है।
चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट। 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स, जैसे क्या होता है, पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं जिससे हाथ आंख कान नाक मुंह पैर जितने भी आर्गन है रेगुलेट किए जाते हैं क्रेनियल नर्व्स के द्वारा, जो क्रेनियम से हमारे जुड़े होते हैं, ब्रेन बॉक्स से। यहाँ पे ब्रेन एब्सेंट होता है लेकिन क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर होते हैं। मेल विदाउट कॉपुलेटरी आर्गन, यहाँ पे मेल में कॉपुलेटरी आर्गन क्या होता है, एब्सेंट होता है। गोनोडक्ट ओपन इन टू क्लोएका, जो गोनोडक्ट होता है वो ओपन होता है क्लोएका में। गोनोडक्ट का मतलब जहां से गोनेट, यानी कि यहाँ पे स्पर्म ओवम की जो रिलीजिंग वाली प्रोसेस होगी ये क्लोएका में होगी, प्लस एक्सक्रीटरी मटेरियल भी क्लोएका में आएंगे और वहां से बाहर होंगे। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस जो होता है अलग अलग, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है, यहाँ पे ये एब्सेंट है लेकिन स्पर्म ओवम रिलीज जरूर होता है। आर्गन एब्सेंट है लेकिन उसके ट्यूब मौजूद है, नलियां मौजूद है जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म निकलेगा, तो ये ध्यान देना बेटा। फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल, जो फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे एक्सटर्नल ही होगा क्योंकि ये एक्वेटिक एनिमल है और एक्वेटिक जो एनिमल होते हैं वो सेक्सेस क्या करते हैं, सॉरी वो क्या करते हैं कि स्पर्म ओवम को रिलीज करते हैं वाटर सरफेस पे। मान लो ये फ्रॉग हो गया, इसने क्या किया कि यहाँ पे स्पर्म रिलीज कर दिया यहाँ पे ओवम, और ये दोनों आपस में मिलकर फर्टिलाइज करके एक बनाया और यहीं पे एक का क्लस्टर धीरे धीरे पूरा डेवलपमेंट चालू हो जाता है। लेकिन ऐसी स्टेप फर्टिलाइजेशन तो इनका क्या होगा, बाहर होगा बहुत ज़्यादा। आप हमने यहाँ पे ध्यान दिया, सॉरी ये ध्यान देना आप लोग कि फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल, यानी ये क्या होता है कि बाहर होगा, लेकिन मोस्टली एक्सटर्नल का मतलब ये नहीं हो गया कि सबके सब एक्सटर्नल ही दिखाएंगे। एक्सटर्नल का मतलब ये हो गया कि शरीर के बाहर निकल जाए स्पर्म और ओवम। इंटरनल का मतलब ये होगा कि अंदर ही हो जाए, स्पर्म को रिलीज करें बॉडी के अंदर, इंट्रोड्यूस करना कॉपुलेटरी आर्गन के थ्रू, इंट्रोड्यूस करना स्पर्म को ओवम के पास, इंट्रोड्यूस करना फीमेल बॉडी के अंदर और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाए। तो ज्यादातर ये केस देखा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल, यानी कि वाटर सरफेस पे स्पर्म और ओवा रिलीज होंगे, वहीं पे कॉपुलेशन ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि वहां पे बाहर फर्टिलाइजेशन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक्वाटिक में जब एक्वाटिक बॉडी में यानी कि जल में जब ये फ्रॉग होंगे, जल में होंगे तो ये रिलीज करेंगे स्पर्म ओवम पानी के अंदर और वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। लेकिन जब ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, जब ये बाहर होंगे धरती पे टहल रहे होंगे, तो वहां पे कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, वहां मेल फीमेल एक दूसरे से वहीं मिलेंगे और वहीं फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन वहां पे होने के बाद भी कॉपुलेशन वहां कंप्लीट होगा, लेकिन ये चले जाएंगे पानी के पास ही और वहां पे क्लस्टर देंगे एक का, ये नहीं कि धरती पे कहीं मिट्टी पे दे देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये केस आप ध्यान देना बेटा। और एक चीज और कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीसीज इनकी नहीं है, वर्टिब्रेट जितने हैं उनकी 2500 स्पीसीज, वर्टिब्रेट में 2500 स्पीसीज फ्रॉग की बस होती है, एम्फीबियन की बस 2500 स्पीसीज धरती पे है। देखने को बहुत सारे मेंढक मिलते हैं लेकिन स्पीसीज इनकी 2500 ही है, जो कम है वर्टिब्रेट के और एनिमल की अपेक्षा इसमें कम है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, पहले ही हमने बता दिया कि यहाँ बच्चे डायरेक्ट पैदा नहीं होते, पहले क्या होगा, एग होगा, लार्वा होगा, फिर उसके बाद फॉर्मेशन। लार्वा यहाँ पे हमने बोल दिया टेडपोल लार्वा होगा, तो एग होगा, लार्वा होगा, देन मेटामॉर्फोसिस होगा और फिर एडल्ट का फॉर्मेशन। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, टेडपोल लार्वा टेक्स प्लेस विच मेटामॉर्फोसिस इनटू एडल्ट, विच अंडरगो मेटामॉर्फोसिस एंड फॉर्म एडल्ट, आप कर सकते हो यहाँ पे ये सेंटेंस आप बना लेना। और ध्यान देना बेटा कि ये आपका जनरल कैरेक्टर कंप्लीट हो गया। हम इसमें एक पॉइंट और आपको देना चाहेंगे, जैसे ये चीजें आपने कर ली तो कुछ पॉइंट आपके होते हैं, जैसे अगर आप जोड़ना चाहें एग्जाम में कि भाई हमको और पॉइंट देनी है, हम कहाँ से दे, सर ने बहुत कम लिखवाया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा हम लिखवा दिए, और भी अभी क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें भी जनरल कैरेक्टर मिलेगा तो बहुत ज्यादा होने लगेगा। तो यहाँ आप देखना कि ये वर्टिब्रेट है, तो वर्टिब्रेट में क्या होगा, नर्व, नर्व नोटो यानी नर्व कार्ड, नोटो कार्ड सी एच जोड़ देना, नर्व कार्ड नोटो कार्ड, गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, ये कर दोगे प्रेजेंट। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आएगा बेटा कि यहाँ पे जो होता है बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं ये एनिमल,
बाइलेटरल, बाइलेटरल क्या, सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री यहां पाई जाती है। कैसी सिमेट्री होगी? बाइलेटरल सिमेट्री, क्योंकि अगर हम फ्रॉग की एक डायग्राम देख लें, सॉरी बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना, कोई नहीं, सिंपली हम आपको दिखाने के लिए बस ऐसा कर रहे हैं बेटा, इतना गंदा सा डायग्राम मत सोच लेना कि सर बनाते होंगे, बना भी देंगे तो क्या करोगे, अब यहाँ आके घुस के तो कुछ बोलोगे नहीं। चलिए ठीक है, तो आप ये ध्यान दो कि अगर हम ऐसे फ्रॉग का डायग्राम देखें तो यहाँ पे अगर हम दो भागों में काट दें तो ये पोर्ट्स भी इसके दो दो इधर, दो इधर, आईज, नॉस्ट्रिल, सब कुछ इधर उधर दो भागों में बढ़ जा रहा है, इसलिए इसको बाइलेटरल सिमेट्री हम कह सकते हैं। सिलोम जो होता है, यहाँ ट्रू सिलोम पाया जाता है बेटा। कैसा सिलोम होगा? ट्रू सिलोम, ट्रू सिलोम होगा जो लेयर होगा, ये ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे, दीज आर ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो और भी जनरल कैरेक्टर आप खुद से फ्रॉग के बारे में देख ही रहे हो, तो देख के पढ़ के वर्टिब्रेट के जनरल कैरेक्टर पढ़ के आप बना सकते हो, और नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दो, और बच्चों में शेयर करिए जितना हो सकता है। चलते हैं हम, आप लोग इसको बनाइए और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके क्लासिफिकेशन के साथ। रुक जाइए एक मिनट, सॉरी बेटा, कुछ चीज़ें और हम बता दें यहाँ पे। अब आप कहोगे सर तो एंड कर दिए, तो जाना नहीं, जाना नहीं, रुक जाओ, क्योंकि हमने अभी बोला था ना स्टार्टिंग में कि आप लोगों को इसी में वर्टिब्रेट का हम देने वाले थे, कि वर्टिब्रेट के हम कुछ बता दें क्लासिफिकेशन आपको कैसे करने हैं। तो सिंपली बेटा हमने क्या किया था कि वो कार्डेट का आप लोगों को याद होगा, कार्डेटा का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ाया था, तो यहाँ पे दो भागों में बांट दिया था। एक क्या था? प्रोटोकार्डेट, प्रोटोकार्डेट, ये था प्रोटोकार्डेट, या फिर इसी को बोलते थे क्या, एक्रेनिया, ये था एक्रेनिया, और यहाँ पे था यूकार्डेट, यूकार्डेट, जो यूकार्डेट था इसी को बोला गया था क्या, क्रेनिया, क्रेनिया, यानी कि यहाँ पे ब्रेन वाला रीजन मौजूद होगा, खोपड़ी मौजूद होगी, यहाँ पे खोपड़ी नहीं पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये जो है क्रेनिया या यूकार्डेट, यही आगे बटा था, ये तो था ग्रुप, ये हमने दो ग्रुप पढ़ लिया, और ये दो ग्रुप बढ़ गया आगे सब फाइलम में। इसके पास तीन सब फाइलम हमने डिफाइन कर दिया है पहले ही, आप देख सकते हो इसके पहले वाले वीडियो में जाके। और ये जो है एक सब फाइलम में बटा, उसका नाम था क्या, वर्टिब्रेट, ये था वर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट, जो वर्टिब्रेट है ये दो भागों में बट गया। यहाँ पे क्या क्या है बेटा, एक है अगनेथोस्टोमेटा, अगनेथोस्टोमेटा, इसको भी हम एक क्लास में इसका क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर देंगे, वैसे आपको वो पहले सिलेबस में रहा करता था, अब है नहीं, वैसे हम बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये क्या है, गनेथोस्टोमेटा, ये डिवीजन है बेटा, ध्यान देना, डिवीजन, दो डिवीजन में बटा है, ये डिवीजन क्या है, गनेथोस्टोमेटा। देखो कंटिन्यू रहोगे, ये दो तीन बार बताएंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसे सोचोगे कि नहीं सर तो बता दिए तो भूल जाओगे। ये बढ़ गया सुपर क्लास में, सुपर क्लास, ये जो सुपर क्लास है, दो सुपर क्लास है, एक है बेटा पीसेज, ये हो गया पीसेज, और दूसरा है टेट्रापोडा, टेट्रापोडा। तो हम टेट्रापोडा में ही पढ़ रहे थे, ये टेट्रापोडा स्पेशली चार क्लासेस में डिवाइड है, कितने, चार क्लास में डिवाइड है। यहाँ पे फर्स्ट था एम्फीबियन, एम्फीबियन, और सेकेंड पे था, सेकेंड पे एविस, रेप्टाइल, फिर मैमल्स। तो ये हमको चार ठो क्लास पढ़ने हैं, और इसी चार क्लास के बारे में हम पूरा आगे पढ़ेंगे, ये इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है इस सिलेबस में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नोट्स बना लो बेटा।